आज के लिए रिम्स से एम्स के लिए वो रवाना हो चुके हैं। बता दें लालू के साथ आरजेडी विधायक भोला यादव के अलावा एक सेवक भी मौजूद रहेगा जो उनकी दवाइयों की जानकारी रखता है। गृह विभाग ने लालू को रांची के रिम्स से दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन ने लालू को डिस्चार्ज करने के लिए सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। बता दें लालू यादव की हालत में सुधार नहीं हुआ है, जिसको लेकर मंगलवार को फिर से रिम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई थी। गृह विभाग और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद लालू यादव को राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाया जा रहा है। हालांकि लालू अपने खर्च पर हवाई जहाज से दिल्ली जाना चाहते थे। देखिए वो सारे चीज अभी तो अलग से खाना कुछ प्रॉब्लम। तो लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स से एम्स के लिए रवाना किया गया है। और आपको बताएं लालू यादव के साथ आरजेडी विधायक भोला यादव भी मौजूद हैं और भी कुछ लोग लालू प्रसाद यादव के साथ मौजूद हैं। एक सेवक भी मौजूद है जो कि उनकी दवाइयों की जानकारी रखता है। आपको बताएं गृह विभाग ने लालू को रांची के रिम्स से दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन ने लालू को डिस्चार्ज करने के लिए सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। लालू यादव की हालत में सुधार नहीं हुआ है, जिसको लेकर मंगलवार को फिर से रिम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई और गृह विभाग और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद लालू यादव को राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाया जा रहा है। हालांकि लालू अपने खर्चे पर हवाई जहाज से दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें राजधानी एक्सप्रेस से ही दिल्ली ले जाया जा रहा है। आज शाम की ट्रेन लालू प्रसाद यादव ने ली है और लगभग 17-18 घंटे का यह सफर होगा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ संपादक मनोज कुमार पटना से। मनोज जी, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के बारे में तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, पहले ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव खुद नहीं जाना चाहते एम्स, बाद में जब कल और पहले से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, उसके बाद अब ये बात सामने निकल कर आई है कि लालू प्रसाद यादव खुद अपने खर्चे से एम्स जाने को तैयार थे और फाइनली आज उन्हें एम्स के लिए रवाना किया गया है, वो भी ट्रेन से। कुछ भी देखिए, लालू प्रसाद जब से जेल में है और जो उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी सर्जरी भी हुई, तो सर्जरी तो जो हुई थी वो तो ठीक हो रहा था, और लेकिन जो उनको पहले से जो बीमारियां चली आ रही थी उसको लेकर वो काफी परेशान थे और लगातार उन बीमारियों में इजाफा हो रहा था और उनकी हालत बिगड़ रही थी। और जो बार बार जो चीजें, जो सवाल आपने किया है कि बार बार जो ये चीजें आ रही थी ब्राह्मण बातें कि लालू प्रसाद अपने निजी कारणों से या जिन कारणों से हो वो रांची से जाना नहीं चाहते हैं बाहर, उस आप नकार रहे हैं कि हम बाहर इलाज कराने नहीं जाएंगे, इंसुलिन नहीं लेंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जब लालू प्रसाद इंतजार थक गए तब उन्होंने लिखा उसके जेल आईजी को और जेल सुपरिटेंडेंट को कि मैं अपने खर्चे से भी बेहतर इलाज के लिए जा सकता हूँ, इसकी मुझे अनुमति दी जाए। और हवाई यात्रा से उन्होंने अनुमति मांगी थी कि कम समय उनको जर्नी करनी होगी और वो जल्दी से जल्दी एम्स पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अब बातें साफ हो गई हैं कि जो भी चीजें मीडिया में आती रही वो भ्रामक थी, वो गलत थी। लालू प्रसाद रिम्स के जो टीम थी, मेडिकल बोर्ड जो थी, उसने उसकी अनुशंसा के बाद वो लगातार इंतजार करते रहे कि जेल प्रशासन हमें आदेश देगा कि हम बाहर जाकर इलाज कराएं अच्छे जगह पर। लेकिन जब उनको आदेश नहीं मिला और दिन ब दिन लेट होते जा रहा था, उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, तब उन्होंने अपने स्तर से एप्लीकेशन दिया और जो उनके करीबी लोगों ने बताया कि संभवतः जेल प्रशासन इसी से हाथ खड़ा कर चुका था कि हम अपने खर्चे पर आप भेजने में सक्षम नहीं है, इसके लिए होम डिपार्टमेंट और जेल आईजी का ऑर्डर चाहिए, निर्देश चाहिए। तो सरकार जिसकी है, सरकार पर ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि आखिर लालू प्रसाद को किन परिस्थितियों में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बावजूद इतना विलंब किया गया, उसके बावजूद जब उन्होंने अपने खर्चे पर जाने के लिए रिक्वेस्ट किया, उनके ऑन रिक्वेस्ट पर भी उनको ट्रेन से भेजा गया,
लालू प्रसाद जिस तरह के कैदी हैं और जिस तरह का तरीके का उनके उनके साथ व्यवहार किया गया है और जिन विधित से जो जिन लोगों से वो पीड़ित है, इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार को चाहिए था कि उनको हवाई यात्रा की अनुमति दे, लेकिन वो अनुमति उनको नहीं मिली। बहरहाल वो ट्रेन से ही गया है, लेकिन इस पूरे मामले में साफ हो गया है कि लालू प्रसाद अपने बेहतर इलाज के लिए जाना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं और स्वस्थ रहने के लिए कोई इंतजार नहीं करेगा कि मैं इंसुलिन नहीं लूंगा। हो सकता है कि लालू प्रसाद इस आक्रोश में बोल रहे हो कि हम इंसुलिन नहीं लेंगे, कि हमको बेहतर इलाज के लिए नहीं भेजा जा रहा है, ये चीज हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आज लालू प्रसाद एम्स के लिए रवाना हुए हैं। देर से ही सही उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो स्थितियां परिस्थितियां बनी और आज वो जो एम्स के लिए जा रहे हैं, तो शुभकामना है हमारे चैनल की सामना के लिए उनको शुभकामना देता है कि जल्दी वो स्वस्थ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब साधना न्यूज ने इसको प्रमुखता से दिखाना शुरू किया तो पिछले 24 घंटे में प्रशासन से लेकर सरकार तक के कान खड़े हुए और व्यवस्थावश लालू प्रसाद को आज भेजने को मजबूर हुआ शासन। मनोज जी, और एक सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, पहले ये भी कहा गया कि इंसुलिन लेने से मना कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उसके बाद ये कि वो एम्स जाना नहीं चाहते, और उसके बाद जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, खुद भोला यादव ने भी ये कहा कि साधना न्यूज का उन्होंने धन्यवाद कहा और सारी बातें उन्होंने कही कि अब उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल एक अभी तक ये है मनोज जी, कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, वो लगभग 11-12 बीमारियों से जूझ रहे हैं, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में जिस प्रकार से उन्हें ट्रेन से यात्रा कराया जा रहा है, 17-18 घंटे का लगभग ये समय होगा, अगर इस बीच लालू प्रसाद यादव की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो आखिर किसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये एक तरह से अनदेखी की गई है लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के साथ। खुशबू, देखिए जो जो डिजीज लालू प्रसाद को है उसमें आपको एक किडनी से जुड़ा है, तो और दूसरी बात है कि उनका स्तनहार सर्जरी पहले, पेटा सर्जरी पहले हो चुकी है और वो डायबिटिक है, तो डायबिटिक अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जिसको नियंत्रित रखना जरूरी है, नहीं तो और भी जो बीमारियां हैं उनको वो उभार डालता है। और लालू प्रसाद का जो शुगर लेवल है वो काफी रैंडम शुगर लेवल काफी बढ़ा हुआ है, और इस स्थिति में कोई भी डायबिटिक पेशेंट ये नहीं चाहता है उसका शुगर लेवल बढ़े या उसका शुगर लेवल लो हो। जब तक उसका शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता है, उसको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलती है, उसको उसका इलाज सही तरीके से नहीं होता है, तो उसका असर आहार, किडनी, लीवर, इन तमाम चीजों पर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। और लालू प्रसाद के का शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ था और वो नियंत्रित नहीं होना की कारण था कि किडनी, लीवर की जो उनकी बीमारियां और उभरी हैं और उससे वो ज्यादा परेशान हुए हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण इसमें शुगर का बढ़ना उनका है। तो इस चीज को देखते हुए सीधे तौर पर अगर आज लालू प्रसाद चूंकि जेल में है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा से लेकर के उनकी सुरक्षा, उनके बेहतर स्वास्थ्य की ये सारी जिम्मेवारी जेल प्रशासन और राज्य सरकार की बनती है। अगर लालू प्रसाद स्वस्थ होना, लेकिन अगर उनकी हालात में किसी तरह का कोई उनका हालात बिगड़ता है या कहीं कोई चीज होती है या कोई उनका किसी रोग से उनकी परेशानी पड़ती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार राज्य सरकार और जेल प्रशासन होगा, क्योंकि अब पूरी जवाबदेही राज्य सरकार और जेल प्रशासन की होती है कि उनके यहाँ रहने वाला एक कैदी, एक बंदी की वो हिफाजत कैसे करते हैं, उसकी देखरेख कैसे करते हैं, उसके बेहतर इलाज की पूरी जवाबदेही।